दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, और कोई डाउट है तो। सर सिर्फ EDT ये दिया हो, उसमें उसने एसिटिक एसिड लिख दिया हो, तो हम लोग तो उसका सिर्फ टू ही बताएंगे ना, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना वो। EDTA इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट नहीं, एसिटिक एसिड के साथ टेट्राडेंटेट लिगेंड, क्योंकि चार हो गए और बाकी दो नाइट्रोजन के साथ, तो हेक्साडेंटेट बताएंगे। सर एसिड बोलो तो सिर्फ एन ही देगा ना, नाइट्रोजन ही देगा ना। नहीं, मैं समझा नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? तुमने कहा है कि EDTA लिखा होगा तो बताओ इसको क्या बोले। मैंने कहा हेक्साडेंटेट लिगेंड, अब बताओ क्या चाहते हो। वो KTW सर ने बोला था कि जब तक 4- लिखा ना हो तब तक हेक्साडेंटेड नहीं बोलेंगे, EDTA किसको? को। जब तक फोर नेगेटिव ना लिखा हो तब तक उसको, हाँ मतलब आयन लिखा होना चाहिए, एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड लिखा नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ तो वही पूछेंगे ना अपन। EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड का डेंटिसिटी बताओ, तो क्या बताएंगे आप? टू बताना चाहिए ना, कुछ छह बताएंगे ना। छह के छह बताएंगे भैया। जब डोनेट करेगा तब तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बताओ अच्छा ये बताओ, ये मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट लिखेगा ना, क्योंकि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली जब ये डोनेट करेगा तो इसमें अपन बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, तो ये इसको लीव करेगा, आप ऑटोमेटिकली लीव करेगा वो। तो अगर मान लो, एक बात याद रखो कि अगर DMG लिखा है तो बताओ मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है ना, तो अपन कहेंगे इसमें तो आपने नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं कहा कि ऐसे है भाई। इथाइलिन डायमाइन ये अपन को गिवन है, ये है इथाइलिन डायमाइन, ये लो ये है इथाइलिन डायमाइन। अब इसमें डोनर एटम क्या होते हैं? ये होते हैं अपने डोनर एटम, तो ये होते हैं ना नाइट्रोजन। अब हाँ आप बोलते हो ना DMG पे -1 चार्ज होता है, बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ तो इसमें कहां दिख रहा है मुझे चार्ज? हाँ समझ गया सर। पता, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचने से ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है, राइट ना? तो उनके पास जो वो नोट्स वगैरह लिखे होंगे ना, वो कोटा वाले नोट्स होंगे उनके पास, वो कोटा में वो कुछ भी करते रहते हैं, राइट ना? और उससे गलत हो जाता है। मैं खुद भी पेपर देता हूँ, जब एग्जाम के बाद मुझे पेपर मिलता है मैं तुम्हारा पेपर खुद भी देता हूँ और अपने मार्क्स चेक करता हूँ हर साल। और मैंने जब भी देखा ना, ज्यादा सोच के, बहुत हाई फाई सोच के, अच्छा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मेरा आंसर हर बार गलत हुआ कि बहुत ज्यादा हाई फाई सोचा। फिर मैं ना स्टूडेंट के हिसाब से ही सोचता हूँ, और उतना ही सोचता हूँ जितना NTA वाले या एडवांस वाले सोचते हैं कि भैया आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जैसे रहो। तो फिर उसमें ना क्या करेंगे, EDTA में क्या होता है, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोटॉन को खुद लीव कर देगा, तो फिर मुझे इसकी डेंटिसिटी बतानी होगी, राइट ना? तो अपन उसे क्या बताएंगे, उसको डेंटिसिटी एक्सीडेंटेड बताना, बाइडेंटेड नहीं बताना। हाँ ऐसे बताना, अब अगर आपको ऐसे मिले ना तो बिल्कुल बताना। मैं तो इसको मतलब, तो जब मैं पढ़ाता तो बिल्कुल तब बोल देता मैं कि भाई ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इधर अपन एस्टेटाइन लिखेंगे है ना, CH2 लिखेंगे अपन, और डबल बॉन्ड ओ लिखेंगे अपन। मैं इसको ना फ्लेक्सीडेंटेड जैसे यूज कर सकता हूं। तो अब क्या होगा कि नाइट्रोजन अच्छा डोनर है या ऑक्सीजन अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन बस। तो उस टाइम बोलूंगा कि जब फ्लेक्सीडेंटेड कहोगे ना आप, तो मैं उसको दो डोनेट करवा सकता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा डोनर एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो मैं इसको बाइडेंटेड जैसे यूज कर सकता हूं, ठीक है ना? वो है भाई मैंने दो वो। तीन क्वेश्चन ग्रुप पे भेजे सर, वो मिल नहीं रहे मेरे को PDF में, एक बार आप देख लीजिए। चलेगा, अरे यार ग्रुप के लिए तो मुझे मोबाइल लाना पड़ता है फिर।
है तो इसमें अच्छा मैंने वो तो सॉरी मैंने बट वो मतलब आगे पीछे तो नंबर नहीं बात नहीं मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 20 था ना इसमें हाँ मतलब शीट में भी जो मेरे पास उसमें भी 20 नंबर ही है तो आप उसमें बोलो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं उससे ही बता सकते हैं तो क्या पड़ेगा अब इसमें गिवन है अपन को इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेटलाइन विद द लीगेंड ठीक है भाई कॉम्प्लेक्स बनाना है अपन को मेटलाइन का लीगेंड के साथ ठीक है मेटलाइन और लीगेंड कॉम्प्लेक्स सी कॉम्प्लेक्स बना दिया था एंड पॉइंट इज एस्टिमेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली तो इफ एम एंड सी डू नॉट एब्सॉर्ब लाइट अच्छा एंड ओनली एल एब्सॉर्ब लाइट then the titration plot between the absorbance A versus volume of the ligand would look like इनमें से कैसे दिखेगा तो भाई ठीक है volume of the ligand तो if the complexometric titrations अपन को given है कि भाई metal ion ये ligand के साथ complex बनाएगा तो C complex बनेगा चलेगा अभी कह रहा है कि at the end point एंड पॉइंट इज एस्टिमेटेड बाई दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इफ एम एंड सी डू नॉट एब्सॉर्ब लाइट ओके ठीक है और फिर वो कह रहे हैं डू नॉट एब्सॉर्ब लाइट इफ एम एंड सी डू नॉट एब्सॉर्ब लाइट एंड ओनली एल एब्सॉर्ब लाइट देन द टाइट्रेशन प्लॉट विल बी Absorbance, अच्छा अपन को titration तो एक बार प्लॉट भी देख लेना पहले तो क्वेश्चन ही समझ रहा था ठीक है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है versus volume of the ligand is, ठीक है भाई, भाई देख absorbance versus volume of ligand का ग्राफ है तब तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए पर शुरू में मैं क्या कर रहा था इसमें ligand ऐड कर रहा था मैंने ligand ऐड किया वो कॉम्प्लेक्स बना लिया मैंने ligand ऐड किया उसमें कॉम्प्लेक्स बना लिया तो एब्जॉर्बेंस क्या रहेगा जीरो मतलब कांस्टेंट रहेगा जो भी पहले रहा होगा क्योंकि ना तो ये अब्सॉर्ब करता है मेटल आयन और ना ही ये अब्सॉर्ब करता है तो इसका मतलब है शुरू में कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि कोई अब्सॉर्बेंस नहीं दिखाना चाहिए ना तो ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ना तो ये अब्सॉर्बेंस शो करता है दोनों में से कोई नहीं करता अब्सॉर्बेंस शो जैसे ये खत्म हो जाएगा और फिर लिगेंड ऐड करोगे तो जैसे ही लिगेंड सॉल्यूशन में आएगा तो अब्सॉर्बेंस बढ़ेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है तो अपन बताएंगे ऑप्शन देख के कि देखो भाई जब शुरू में अपन लीगेंड ऐड कर रहे थे तो लीगेंड सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था कॉम्प्लेक्स में तो मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स बना देगा मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स बना देगा दोनों में से कोई अब्सॉर्बेंस शो नहीं करता मतलब शुरू में अब्सॉर्बेंस क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट हाँ सर समझ गया तेरा दूसरा क्वेश्चन है तो अपने पास गिवन है दैट इज दूसरा वाला छोड़ो उसी से बता देता हूँ कंट्रोल होता है तो दोनों का तो टाइम ही लगेगा रुक जा पीडीएफ में नहीं होता मजा 17 का वाला क्वेश्चन है ही नहीं रन दो कोई बात नहीं जो भी होगा इसी से बता देता हूँ मैं तो एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू द पिंक कलर सॉल्यूशन ऑफ दिस ठीक है भाई तो एडिशन ऑफ अमोनिया टू द पिंक कलर सॉल्यूशन ऑफ दिस तो अपन अमोनिया को ऐड करेंगे टू द पिंक कलर सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है पिंक कलर सॉल्यूशन बोल रहा है COCl2 तो कोबाल्ट ही होगा फिर देख लेंगे बस मैंने एक बार बस बोल दिया लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है पिंक कलर सॉल्यूशन इज MCl2 क्योंकि जब पिंक लिखेगा तो मुझे एक्वस सॉल्यूशन में उसी का क्लोराइड दिखता है बस ये कंपाउंड एक्सेप्ट है तो एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू द पिंक कलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स एंड NH4Cl gives a octetal complex अच्छा NH4Cl मतलब आप ये कह रहे हो कि slightly acidic medium में gives a compound Y ये X जो compound Y देता है चलेगा in the presence of air अच्छा air भी लिखा हुआ है कोई बात नहीं
इन एक्वस सॉल्यूशन वाई बिहेव्स, इन एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स वाई बिहेव एज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये ऐसे देता होगा एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे, और इसमें सीएल भी था ना अपने पास, हाँ तो सीएल ऐसे 3 नेगेटिव रखा, 1:3 आइंस ना, ऐसे कुछ रहा होगा, तो ऐसे कुछ रहा है होगा 1:3 के रेशियो में कैटायन एनायन आते हैं, ऐसे लिखा होगा है। इलेक्ट्रोलाइट, द रिएक्शन एक्स, द रिएक्शन ऑफ एक्स विद एक्सेस ऑफ एचसीएल, एक्स विद एक्सेस ऑफ एचसीएल एट रूम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू कलर कंपाउंड। अच्छा, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा ना विद एक्सेस ऑफ एचसीएल तो मुझे ब्लू कलर कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो इसको जेड बोल रहा है। ठीक है, ब्लू कलर कंपाउंड दिस। ठीक है, द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एक्स एंड जेड आर, एक्स और जेड का कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट इज 3.87, मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे 3.87 लेना है। ठीक है, एचसीएल के साथ ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। इसमें क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा, अभी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा है, पहले मतलब मैं समझ लेता हूँ उसके बाद में बताता हूँ, ऑप्शन में पढ़ूंगा पहले, मतलब मे बी पॉसिबल तुमको वो पार्ट ना पता हो तो इसलिए मैं बता रहा हूं। इसने ना इसको लिख के सब क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया, एयर को लिख के, क्योंकि एक ही ऐसा मेटल है जो बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए जैसे उसने कहा था ना कि एयर और इसमें उसने ऑक्सीडाइज किया, मुझे तुरंत समझ में आ गया था, और पिंक कलर बोल रहा था वो कोबाल्ट। एक ही ऐसा मेटल है जो इजीली एयर में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कोबाल्ट। तो उसने ये लिख के तो मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मैंने तुरंत कोबाल्ट में 3D7 और 4S2 देख लिया, ये +2 था ना, तो मैंने इसको हटा के मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, 3D7 होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ना। भाई जब ये मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होता है तो डेसिबल के पहले वाला नंबर ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन वहां से सॉल्व होना शुरू हो गया था, और ये भी ग्लू क्लोर कंपाउंड है, ये भी अपन तो गगन है, एचसीएल में मैं इसको हटा सकता हूं, और अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है ये सारे के सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स बना सकते। ये लो भाई, ये ब्लू कलर कंपाउंड की बात कर रहा है, एसिडिक मीडियम, और यहां पर जो बन रहा है वो ये बन जाएगा, क्लोराइड है ना, मैंने कहा था ना वीकली एसिडिक मीडियम है, अमोनिया है ना, क्योंकि इसमें इसमें और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होगा, ये वाला, जब वो इसमें और इसमें रिएक्शन कर रहा है तो वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड या सीएल वाटर, तो जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है वही कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर होता है, अपन ने बता दिया ये अपना अमोनिया कॉम्प्लेक्स है। उधर वो एक्वस सॉल्यूशन में बता दिया था उसने, ये लिख के उसने तुरंत बता दिया था क्या क्वेश्चन की बात कर रहा है, कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है। तो ठीक है, वी गॉट दैट ईच एंड एवरी पार्ट, मेरे ख्याल से अब ये सब तो आ गए आपके पास कॉम्प्लेक्स, अब बताओ इसमें ऑप्शन मतलब देख लेते हैं क्या, अब ऑप्शन बता देते हैं, जो भी बताना है आपको देख लो भाई, मुझे पढ़ना है ऑप्शन या तुम कर लोगे, उसका है क्या कोऑर्डिनेशन वाले का, पिंक कौन सा कलर है सर, किस कंपाउंड का कलर है पिंक,
ये है ना पिंक कलर, सीओ सीओ। वही तो लिखा हाँ सर समझ गया। तो अब मैं पढ़ दूँ उसको? हाँ हाँ सर, वो ऑप्शन तो सॉल्व हो जाएंगे। मैं पूछा था कि और ऐसे कौन से, जैसे मतलब आपने एयर देखा तो कोबाल्ट बोल दिया, और ऐसे कोई है क्या? मतलब बाकी सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे, तो बिल्कुल स्कैंडियम प्लस थ्री है मतलब डायमैग्नेटिक, टाइटेनियम प्लस फोर है डायमैग्नेटिक, जिंक प्लस टू है डायमैग्नेटिक, लेकिन अपने पास वैनेडियम प्लस थ्री की बना जबकि प्लस फाइव होना चाहिए। और सिर्फ यही देख लिया कि पैरामैग्नेटिक कौन सा, तो बस कलर ही वही देगा। बिल्कुल, अपन मतलब ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कौन सा क्या होगा। कलर तो अपन एग्जैक्ट कलर तो तभी बता सकते हैं जब आप मुझे वेवलेंथ दे दो या एनर्जी दे दो, मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। अब बताओ। हाँ सर समझ। कुछ कुछ ना ऑप्शन देख के ऑड वन आउट भी निकाला करो कि ये ऑड है ये इवन है, मतलब ये एक जैसा है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में थोड़ा भी अपन को वो लगे ना, आप ऑड वन आउट भी देख लिया करो। बताओ कोई डाउट नहीं ना? और सर अगर कंपाउंड में ना सिर्फ O2 दिया हो, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैं आपको एक मिनट क्वेश्चन भेजता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ सर भेजा सर। तो अपन को गिवन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस 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 इज। हाँ सर लास्ट वाला चलेगा चलेगा, पहले वाले में प्लस थ्री, दूसरे वाले में डाइबेंजीन क्रोमियम जीरो। तो पहले तो मैं अपना ऑप्शन चेक कर लूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन किसी ने बनाया होगा वो ये सोच के बनाया होगा कि दोनों एग्जैक्ट होंगे, तीसरे में बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। थ्री और जीरो दो हो गए मेरे अपने पास, थ्री और जीरो दो हो गए, मतलब ए और बी में से मुझे बताना है। अब ए और बी में आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज तो कर नहीं सकते मुझे। K2 है अपने पास, CN, CR है अपने पास, CN whole twice है अपने पास, और O है अपने पास, और इधर अपने पास गिवन है O2, और भी गिवन है, ये बोला खत्म ही नहीं हो रहा है। ये लो अब अपन कहेंगे देख भाई, ये तो माइनस टू हो गया इंटू टू फोर हो गया, ये माइनस वन इंटू टू हो गया, है ना? ये तो माइनस वन इंटू टू हो गया। इसमें सर वो ऐसे देख सकते हैं ना कि जो O2 है वो टू माइनस ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस में दिया है उसमें क्रोमियम का दोनों में इवन चार्जेस दिया है, तो इवन चार्ज बनाने के लिए क्रोमियम का O2 का टू माइनस होना पड़ेगा। सिर्फ माइनस लिखेंगे तो O2 जीरो भी होता है ना, लिगेंड में थोड़ी रहता है O2। प्रॉब्लम ये है ना देखना, अगर ये माइनस टू है, अगर ये सपोज करते हैं माइनस फोर है और ये प्लस टू है, मैं इसके लिए प्लस फोर भी लिख सकता हूं और प्लस सिक्स भी हो सकता है। अब बताओ क्या करें,
सर उसने जो बताया उससे ओ टू टू माइनस तो हो सकता है, बट अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ओ टू जीरो तो वो लीगेंड नहीं बोल रहा, तो सही बोल रहा है क्या वो? हाँ, ओ टू जीरो होगा तो लीगेंड कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा? तो फिर तो टू माइनस ठीक है सर, फिर तो ऑप्शन में भी यही चेक करना पड़ेगा कि इवन क्योंकि आ वो रहा है। माइनस वन भी हो सकता है और माइनस टू हो सकता है, जीरो थोड़ी होगा। माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, तो माइनस वन हो नहीं सकता। हाँ सर फिर तो समझ आ गया। और इवन दिया हुआ है, तो मोस्टली ना इस टाइप के क्वेश्चन में जहां वो होता है ना हेजिटेशन, वो पक्का ऑप्शन ऐसे बनाते हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, उसे अगर थोड़ा भी कंसेप्ट पता है तो अपना आंसर बता देगा, तो उस टाइप से वो ऑप्शन बता देते हैं। इसलिए पहले पहले ये चेक किया कि ऑप्शन बाकी को हटा देता है ना। तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी देखने पड़ेंगे अपन को जो निग्लेक्ट करेंगे कि भाई ये भी निग्लेक्ट करता है, ये भी निग्लेक्ट करता है। अब बताओ सर आपने लास्ट ईयर ऐसा कुछ बताया था क्या कि मतलब सिर्फ O2 लिखा रहेगा तो परोक्साइड मानेंगे और O2 के पास ब्रैकेट रहेगा तो सुपर ऑक्साइड। हाँ, अगर O2 होगा तो परोक्साइड मानेंगे, और अगर O2 ऐसे होगा ना सुपर ऑक्साइड मानेंगे, लेकिन ये तो ऑक्साइड होगा, इसको थोड़ी कर सकता है अगर इसके बाहर लिखा हुआ है तो। राइट ना? हाँ आप बताओ। मेरा हो गया, किसी और का कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं, लो भाई किसी को कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रो के डाउट ना? हाँ सर। सर नेक्स्ट क्लास सर इलेक्ट्रो अभी थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा हुआ है मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रो ही है ना सर, रिवीजन डीपीपी में इलेक्ट्रो और वो है ना केमिकल काइनेटिक्स वाली डीपीपी है ना। नहीं डीपीपी भी कर सकते हैं, मैं तो एक्सरसाइज इससे शीट की बात कर रहा था। मतलब मेरा बचा है अभी, सबका हो गया तो आप कर दीजिए डिस्कस। हाँ जी भाई बोलो। पार्ट वन में D6, पार्ट वन में D6, एक्सरसाइज वन के पार्ट वन में D6 आ गया। सी है तो चलो भाई D6 में मिल गया D6। पता क्या D6 में अपन को गिवन है, देख भाई NO3 नेगेटिव को अगर NO में कन्वर्ट करेंगे अपन NO2 में, कितना मुझे गिवन है, कितना 0.790 वोल्ट। और अगर आप एसिडिक मीडियम में NO3 को कन्वर्ट करते हो NH3 OH पॉजिटिव में, तो E0 मुझे गिवन होता है 0.731 वोल्ट। At what pH the above two will have the same EMF as that, the concentration of all other species except H sign is unity. तो अपन क्या करेंगे, इसका ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल है, दोनों के EMF एक जैसे करने हैं, तो अलग अलग सेल बना लेते हैं दोनों का। इसका SRP ज्यादा है तो इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऐसे लगा के इसका SRP बना लेते हैं गिवन से NO3 नेगेटिव टू NO2। इसमें भी SRP SH इधर लगा लेते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और इसमें NO3 नेगेटिव टू NH3 OH पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये दोनों सेल हो गए, तो दोनों के सेल रिएक्शन बना देते हैं।
इसका तो अपना कोई सेल रिएक्शन होगा नहीं, जो भी होगा इन्हीं का होगा, तो ठीक है पहले वाले का सेल रिएक्शन लिख देता है। तो पहले वाले का सेल रिएक्शन तो ये हो जाएगा, NO3 नेगेटिव है और NO2 में कन्वर्ट है, एक H2O लिखते हैं तो दो H+ साइन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो इसका इन्वर्टर N हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 हो गया। हाइड्रोजन में भी उतना ही कर लेंगे, इसके लिए लिखूंगा तो NO3 नेगेटिव है, NH3OH पॉजिटिव है, N बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ट्वाइस ऑफ H2O ले लिया मैंने, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो चार इधर आठ है तो एट एच प्लस साइन होगा, एट एच प्लस साइन होगा तो इधर प्लस वन चार्ज है, इधर माइनस वन सेवन प्लस चार्ज है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूं, तो ये बैलेंस हो गया मेरे पास, मतलब इसमें सिक्स हो गया इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का ई लिख देता हूं। पहले इस वाले को ई वन ले लेता हूं, तो इसका ई ऑफ द सेल जिसको अपन को इक्वल करना है, तो इसका ई नॉट ऑफ द सेल कैथोड तो ये खुद ही है 0.79 माइनस जीरो माइनस 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू 1 था इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एच प्लस आइन 1 अपॉन एच प्लस आइन का स्क्वायर, बाकी सबको 1 लेना है ये आपने बता रखा है। मेरे पास E2 है, ये मुझे लिखना है 0.731 माइनस 0 क्योंकि एनोड पे SH ही है 0.0591 अपॉन एन हो गया 6 इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस आइन टू द पावर ऑफ 8। लो भाई इसमें एच प्लस साइन पूछा है और ये दोनों इक्वल बताने हैं अपन को, इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हाँ सर समझा। अब बताओ और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई डाउट है, या इलेक्ट्रोलाइसिस भी दिया था मैंने दिया था कोई डाउट है? पार्ट टू में F4 पार्ट वन में कोई डाउट नहीं है, पार्ट टू में F4 डाउट है, कोई बात नहीं अभी बोल देता हूँ मैं। अभी कोल्ड रोल्स लो तो अपन ने किया ही नहीं था, अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्मड इज, जितना इक्विवेलेंट वो होगा अमाउंट ऑफ NaOH बताना। हाँ बोलो आंसर आ गया है। पर जब भी हम लोग जो ये फैराडे लॉ लगाते हैं, हम लोग मेटल का लिखते हैं ना मोलर मास, नहीं मैं तो इलेक्ट्रोड पे जितना इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड पे एक्सचेंज होगा मैं तो वो लिखता हूँ, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई किसका मतलब क्या लगा रहे हैं, अपन तो ये कह रहे हैं अपन मेटल की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो ये कह रहे हैं भाई आपने सूटेबल इलेक्ट्रोड कहा है, NaCl एक्वस है तो Na पॉजिटिव रहा होगा, Cl रहा होगा और H2 रहा होगा, आपने यहां से जितना मोल्स चार्ज यहां से भेजोगे मतलब I into T जितना मोल्स चार्ज आप भेजोगे उतना ही इसका रिएक्शन हो जाएगा, तो अगर एक मोल चार्ज था तो आधा मोल H2 लिबरेट हो गया भाई रिएक्शन कर लेंगे अपन, ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया कन्वर्ट हो गया OH- माइनस में और हाफ H2, तो हाफ मोल H2 निकल गया और 1 मोल ये बन गया, तो जितना मोल ये बनेगा उतना ही मोल NaOH बनेगा, मतलब जितना इक्विवेलेंट चार्ज आपने पास किया उतना ही इक्विवेलेंट NaOH बन रहा है इसमें, उतना ही तो लिखते हैं 40 लिखेंगे किसमें इक्वेशन में। हाँ क्या लिखेंगे 40 ग्राम। हाँ तो 40 ग्राम लिखेंगे, लिखा ना मैंने इक्विवेलेंट वेट 40 ग्राम,
अभी तक जो भी क्वेश्चन किया उसमें मेटल का लिखा है मैंने। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आपने डिपोजिशन लिखा होगा, ये सेल के अंदर बन रहा है ना, जो सॉल्यूशन में सेल के अंदर बन रहा है उसको भी तो बताओगे ना, तो आप यही तो लिखोगे, जितना इक्विवेलेंट H2 लिबरेट होगा उतना ही इक्विवेलेंट NaOH बनेगा, उतना ही इक्विवेलेंट Cl2 होगा, सारे इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना। हाँ तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट किए मैंने, अब बताओ तो अपन से तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भाई NaCl यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस किया मैंने, अब तुम ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में जो ये बन रहा होगा सॉल्यूशन में कितना NaOH आपने पूछ लिया, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पूछ लो, तो अपन कहेंगे OH बढ़ेगा मतलब पीएच बढ़ेगा, कंडक्टेंस पूछ लो तो अपन कहेंगे कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, अब कंडक्टेंस अपन ने पढ़ा नहीं ठीक है, थोड़ा आइडिया तो है, तो कंडक्टेंस पूछ लो तो अपन कहेंगे कंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि NaCl की जगह NaOH बन रहा है और NaOH का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होता है तो इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, कितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए तो मैंने एक ही कंसेप्ट आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मत भूलना, जितने इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सचेंज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सचेंज होंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपने इतना दिया है तो इतना ही चार्ज आपको वापस भी करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने कहा था दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा जो होगा Q/96500 बराबर होगा, इवन अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसको देख के अपन सेल के अंदर क्या हो रहा है वो भी बता सकते, बोलो okay, अगर कोई भी दिमाग में हेजिटेशन चलता है ना तो वो हेजिटेशन को बोल दिया करो कि मैं तो ये सोच रहा हूं आप बता दो मैं कहां गलत हूं, तभी तो आपको हेजिटेशन सब खत्म होंगे अपने, ठीक है ना, और नहीं बताता तो अच्छा ऐसे भी करना है ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे, अब बताओ ओके सारे, अब इसका एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी कर लेना, चलो अब ORM भी करना था ना आज, हाँ सर ORM 3 में कोई डाउट है क्या सर, 1 घंटा डिस्कस कर लिए 1 घंटा पढ़ भी लेंगे, तो भाई अपन ने रोज पढ़ ही तो रहे थे पर पहले सारे डाउट्स करेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे, मतलब डाउट्स का ऑर्डर था ना सर वो तो, अच्छा ऑर्डर था भाई देख लो तुम लोग जैसे, मतलब मैं तो कहूंगा कि भाई डाउट्स पहले पूछ लेते सारे उसके बाद फिर आगे पढ़ते, मेरे डाउट सारे क्लियर हो गए भाई ठीक है अब पढ़ेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं तो ठीक है अपन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, अपन को क्या करना पड़ेगा ठीक है ना, तो अगर अपन को नेक्स्ट टाइम पढ़ना है तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ठीक है, तो चलो भाई अपन डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अपन जो डिस्कस कर रहे थे ना वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में थोड़ा ज्यादा है अपन को उसको टाइम देना पड़ता है थोड़ा, तो अपन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ही पढ़ते हैं है ना, उसी को कंटिन्यू रखते हैं ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को, तो चलो भाई ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को शुरू करते हैं अपन, चलो कंटिन्यू रखते हैं आप पढ़ते हैं अपन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन शायद पढ़ लिया था हमने, हमने कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लिया था है ना,
और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताना। तो अब नंबर जो भी होगा उस पॉइंट आप देख लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है तो अपन ऐसे लिखेंगे कि अगर अपने पास CH3CH2CH2 इस टाइप से कुछ है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड है तो केमरोफोर के साथ रिएक्ट करते हैं भाई, एसिडिक मीडियम में और हीट भी कर लेते हैं तो अपन कहेंगे नो रिएक्शन। भाई आज तक यही तो बनाते हैं कि केमरोफोर के साथ रिएक्शन करेंगे अगर किसी भी कंपाउंड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रिएक्शन होगा केमरोफोर के साथ? कुछ भी नहीं। बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ना सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा मतलब अपन ऐसे बता सकते हैं ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ऑलवेज इट विल फॉर्म अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसको पैरासिड्स के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेता तो इट विल ऑलवेज फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ये कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए अपन को सेलेनियम ऑक्साइड और H2O2 यूज करना है। सेलेनियम ऑक्साइड का यूज जनरली अपन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं। बट अब क्या सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेलेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं तो वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी यूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब इसका बाकी सारा पार्ट भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा सेलेनियम ऑक्साइड आया तो बाकी भी बढ़ा। तो इसमें हमेशा यही बनेंगे इसलिए अपन को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना तो अपन सेलेनियम ऑक्साइड के साथ एल्कीन्स और एल्काइन्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन अपन से पूछते नहीं है, लेकिन अपन बता देंगे कि भाई ऑक्सीडेशन आपको कैसे करना है। बहुत ज्यादा मतलब अपन पढ़ेंगे नहीं बट थोड़ा सा तो अपन बताएंगे। SiO2 से रिएक्ट करोगे तो आपको सिर्फ अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लिख देना, और अगर मोस्टली या तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूछेंगे या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स पूछेंगे। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो मैं अल्फा पोजीशन पे या कार्बोक्सिलिक एसिड हो हम अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा लेंगे सेलेनियम ऑक्साइड के उसके मैकेनिज्म के हिसाब से, और ऑक्सीडेशन में अपन से कोई मैकेनिज्म तो पूछता नहीं। और अगर कीटोन गिवन है तो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस ये और ये ही रहेंगे सेलेनियम ऑक्साइड। इसमें पूछेंगे तो जो हाइड्रोजन मोर इजीली इनोलाइज्ड हो सकता है उस तरफ कीटो ग्रुप लगा देना, जो हाइड्रोजन मोर इजीली इनोलाइज्ड होगा, लेकिन उसके पास दो हाइड्रोजन भी होने चाहिए, है? क्योंकि अगर ऐसे है तो ठीक है अपन को पता है ये ज्यादा इजीली एनालाइज्ड होता है, लेकिन ये कीटो बना ही नहीं सकता, इधर ही बनाना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन मोर इजीली एनालाइज्ड हो जाएगा उसके पास CH2 होना चाहिए, जो CH2 मोर इजीली और एनालाइज्ड हो जाएगा उससे अपन डाइकेटोन बना सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली सेलेनियम ऑक्साइड से अगर ये एल्कीन्स और एल्काइन्स है तो एल्कोहल बनाना है अपन को, और वो भी अल्फा पोजीशन पे, और अगर कीटोन्स है तो अल्फा पोजीशन पे कीटोन्स एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप बना दे दैट इज। लेकिन ये सारा पार्ट मैं बताऊं कभी पूछते नहीं हो, यही सेलेनियम ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है अपने लिए और इसी में अपन से क्वेश्चन पूछते हैं और वो फिर उसके बाद सारे अपन को पढ़ाना शुरू कर देते हैं सब, ठीक है ना। तो उतना अपन को जरूरत नहीं होता है लेकिन सब मतलब उसमें अपन पढ़ जरूर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर, हाँ बोलो। एक बार कुछ लिखा था ना कि सेलेनियम के साथ कुछ हीट करने पे
डिहाइड्रोजिनेशन होता है ऐसा कुछ बताया था ना, वो सिर्फ सेलेनियम था। अच्छा ओके वो सिर्फ सेलेनियम था, मतलब ऐसे बिल्कुल बताया था मैंने कि अगर मेरे पास ऐसे के बने तो मैं सेलेनियम के साथ हीट करके ये बना, और ये भी बना सकता है। तो अगर ये एक्सेस में गिवन है अपन वो भी बता सकते हैं। इसको पैलेडियम से रिएक्ट करोगे तो मैं ये बना, इसको अगर आप पैलेडियम और चारकोल से रिएक्ट करवाते हो तो नो रिएक्ट, इसको अगर पैलेडियम चारकोल से रिएक्ट करो तो एल्कीन बनो। पैलेडियम में अगर चारकोल होगा तो चारकोल बहुत सारा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर जाता है, और अपन ने पढ़ा हुआ है कि एल्काइन्स कैन बी मोर इजीली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू एल्कीन्स। तो पैलेडियम चारकोल में एल्कीन रिड्यूस नहीं होता, एल्काइन्स रिड्यूस हो जाएगा। वो सारा पढ़ा हुआ। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अपन ने काफी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिए, अब अपन थोड़ा सा कंपाइल भी कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, थोड़े थोड़े अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फिर अपन उसको थोड़ा सा कंपाइल कर लेंगे। तो अपन कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेते हैं, फिर जो स्पेसिफिक है उनको अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन लिखेंगे पहले, एक तो अपन यूज करते हैं पीसीसी, उसको कहते हैं पैरिडीनियम क्रोमेट क्लोराइड। ओपीसीसी तो पैरिडीनियम का मतलब तो ये हो जाएगा, ये पैरिडीन है और ये ईएम है और क्लोराइड, क्रोमेट का मतलब है सीआर होते हैं। अगर ये नहीं होता, पिरिडीन इज इनर्ट सॉल्वेंट, अगर पिरिडीन होता तो पिरिडीन इज इनर्ट सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में अपन ये तो पिरिडीन यूज करते हैं इनर्ट सॉल्वेंट को, मतलब डाइल्यूशन के लिए, जैसे अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो डाइल्यूट H2SO4 कैसे बनाएंगे, तो पानी डाल के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइल्यूशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पिरिडीन या फिर लिक्विड नाइट्रोजन, बट पिरिडीन बेस जैसे भी एक्ट करता है, और ऐसे लिखते हैं तो अपन इसको बल्की बेस में काउंट करते हैं। अगर ऐसे और हीट करते हैं तो बल्की बेस है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको डाइल्यूट किया पिरिडीन डाल के, बट पिरिडीन का एक्ट एज अ बेस आल्सो, सो अपन चाहते हैं कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ हटा देते हैं, सो दैट इज पिरिडीनियम क्लोराइड। तो इसको बेस जैसे भी नहीं रहने दिया अपन ने, और इसमें अपन ने क्या कर लिया, CH3O इसको डाइल्यूट भी कर लिया। तो इस डाइल्यूट करने से इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, तो पीसीसी जो होता है ये सिर्फ 1 डिग्री, ये सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है पीसीसी, ठीक है ना, टू एल्डिहाइड ओनली। अब अपन को पता है कि भाई जिस कार्बन से OH अटैच्ड होगा उसी को CHO लिख दोगे आप, वो सारा पार्ट अपन को पता है। तो पीसीसी में अपन क्या करते हैं कि भाई पिरिडीन की जगह, मतलब ऐसे पीसीसी लिख लेते हैं अपन, तो पिरिडीन की जगह दूसरा सॉल्वेंट को यूज नहीं करेंगे अपन,
थोड़ा सा अपन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, वो भी पोलर एप्रोटेक्स CH2Cl2, ये भी यूज करते हैं, बट इट इज अगेन एप्रोटेक्स सॉल्वेंट। अगर मैं इसकी जगह वाटर यूज करूंगा ना पीसीसी में, अगर वाटर यूज करोगे तो वाटर इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा, उसमें भी ऑप्शन भी है ना, क्योंकि मतलब न्यूट्रल वॉल्यूम, लेकिन पोलर एप्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर के साथ ये अपन को पता है कि क्रोमिक एसिड बन जाएगा, क्रोमिक एसिड। और अगर थोड़ा भी क्रोमिक एसिड बड़ा बना तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एसिडिक मीडियम में, उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज करेगा अगर वाटर के ऊपर। अब बाकी अपन से कोई पूछता नहीं है कौन सा कॉलिंस रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट है, बट अपन लिख लेते हैं उसको, भाई पीसीसी इज पार्ट कॉलिंस रिएजेंट, बट कोई पूछता नहीं है कभी की बताओ, आपको भी पता है आपने एग्जाम दिए होंगे, कभी अपन से कोई ऐसा नहीं पूछा कि बताओ कौन सा कॉलिंस रिएजेंट है, इस टाइप से नहीं पूछते। तो ये अगर ऐसे गिवन है पीसीसी विद CH2Cl2, तो अपन सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री को भी नहीं करेंगे ऑक्सीडाइज, लेकिन अगर वाटर गिवन है तो मैं 2 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। सर एक बार ये वाला वापस समझाना कि पिरिडिनियम मतलब क्या करता है, उसका रिएक्टिविटी लो क्यों कर देता है? वो इनर्ट सॉल्वेंट है ना, बताओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा रिएक्टिव होगा या डाइल्यूट H2SO4? तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड होगा, अगर डाइल्यूट कर दें उसको तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो पिरिडिन इज यूज्ड एज अ इनर्ट सॉल्वेंट टू डाइल्यूट CrO3। अब बताओ वो मतलब पिरिडिन के साथ रिएक्ट नहीं करता इसलिए उसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अपन सॉल्वेंट को तो उसी को यूज करेंगे जो रिएक्ट ना करे उससे। सर अगर CH2Cl2 या H2O मेंशन ना हो तो क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट? दो दोनों, मैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरी मर्जी, फिर तो मेरी मर्जी मतलब दोनों, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही क्रोमियम को ना अपन ऐसे भी यूज करते हैं CrO3+। इन वाटर ना, अब वाटर में तो अपन ने देख लिया H2O प्लस एसीटोन भी लिखते हैं, तो ये तो क्रोमिक एसिड बना देगा, फिर ये होगा, फिर तो दैट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट, बट कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता जोन्स रिएजेंट है क्या, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड बना देगा। तो CrO3 प्लस H2O आई विल गेट अक्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड होगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, क्रोमिक एसिड होगा तो, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटो एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटो, 3 डिग्री ऑक्साइज नहीं कर पाएगा। और क्रोमिक एसिड है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए मैं इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना दूंगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अगर ये क्वेश्चन में है तो इसी को बताऊंगा, अगर ये नहीं है तो ये बता दूंगा, जैसे K2Ca2O7 बताया था मैंने, ये बिल्कुल K2Ca2O7 जैसे बिहेव करेगा,
बस K2Ca2O7 और इसमें इतना ही डिफरेंस होगा, ये कभी डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। K2Ca2O7 में डबल बॉन्ड में अपन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं K2Ca2O, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, H2SO4 होता है। अदरवाइज ये बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन के लिए बिल्कुल K2Ca2O7 जैसे बिहेव करेगा, या CrO3 inverter तो आपने यही बता दिया था, बस यहाँ आपने क्या इसको थोड़ा रोक लिया था इसकी वजह से, वरना वहां भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता था, लेकिन वो प्योर एसिडिक मीडियम नहीं है ना, यहाँ एसिडिक मीडियम आ रहा है, क्रोमिक एसिड बना दिया ना बनने यहाँ पर। तो अगर जोन्स रिएजेंट है तो बिल्कुल K2Ca2O7 जैसे रिएक्शन करेंगे, एक्सेप्ट ये डबल बॉन्ड को कभी अफेक्ट नहीं कर सकता। K2Ca2O7 में तो अपन ने लिखा हुआ है भाई कि डबल बॉन्ड है अगर, तो जैसे डाइकीटोन बताया था अपन ने, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे OH ऐड करते हैं, सिस डायोल, जैसे कैमरोफोर करता है वैसे K2Ca2O7। केमनोफोर और K2Ca2O7 के बारे में काफी लिख चुके हैं अपन, मोस्टली वही यूज होते हैं, तो उनके बारे में लिखने की फिर जरूरत नहीं है। अब अगर MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो इज सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, वो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो अगर 1 डिग्री एलाइलिक है तो एल्डिहाइड, और बेंजाइलिक तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, ऑब्वियसली बात है 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड ही बनता है, और अगर 2 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक है तो कीटोन बता दें। So, इसका मतलब है अगर मेरे पास ऐसे की बने, और मैं इसको ऐसे लिखूं, तो अपन कहेंगे ये वाला कार्बन एलाइलिक है तो मैं इसको कीटोन बना सकता हूं, ये वाला कार्बन एटम एलाइलिक नहीं है उसका नो रिएक्शन, तो प्रोडक्ट अपन ऐसे बता सकते, जो एलाइलिक होगा वो 2 डिग्री था, ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये तो एलाइलिक नहीं था ना हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो रिएक्शन नहीं होगा। सो ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, एंड बोथ द पोजीशंस आर नोन टू अस, अपन को दोनों ही पोजीशन पता है क्या होते हैं, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकते। फिर अपन टोलथ रिएजेंट लिख लेते हैं, टोलथ रिएजेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अपन केमनोफोर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह अपन देख चुके हैं क्या करना है। टोलथ रिएजेंट में वी यूज्ड टू राइट दैट कि भाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सॉल्यूशन, या फिर अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो अपन ये बताएंगे सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है तो इसी को बताएंगे। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, अमोनिकल AgNO3, सो दैट विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना,
सिल्वा मेरेटस का, सिल्वा मेरल पीपीटी बने, वी कैन रिलेट वो ऑक्सीडेशन का। तो और अगर एल्काइन्स होते हैं फिर अपन अमोनिकल HNO3 लिखेंगे, अमोनिया लिखे तो फिर ये सिल्वर एसिटेलाइट बनाता है। तो व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर एसिटेलाइट। अब ये सिल्वर वाला टेस्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि वो सिल्वर मरर पीपीटी तो इसमें बनता है, इसमें व्हाइट पीपीटी बनता है ऑफ सिल्वर एसिटेलाइट। विल गेट ऑफ सिल्वर एसिटेलाइट। अब अगर मान लो ये इस केस में सिल्वर एसिटेलाइट बनाएगा, बाकी टोलरेंस रिएजेंट तो ये भी है, इधर भी यूज किया अपन ने, बट सिल्वर मेरा टेस्ट इज गिवन बाय, मेरा टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगर किसी कीटोन्स में अल्फा पोजीशन पे OH है तो वो दे देगा वो रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। फॉर्मिक एसिड हेमी एसिटल हेमी कीटोन, हेमी कीटोन हाइड्रोक्साइल एमाइन, NHOH, इतने तो पता होने ही चाहिए। अब इसके अलावा जो है वो मतलब से पूछते तो है नहीं कभी। तो जरूरत भी नहीं पड़ता है परंतु 1,2-dihydroxybenzene even 1,4-dihydroxybenzene hydroxybenzene में शायद कौन से पूछ गया। सर सुक्रोज नहीं देता ना? नहीं, दैट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसी के बारे में तो सोच के ये सब लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये वाली लाइन ज्यादा जरूरी है अपने सिलेबस में मेनली, है ना, जैसे ये होगा तो CO2 plus H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये होगा तो NO डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट भी लिखते हैं कि भाई बाकी तो अपन को पता है LDH तो आपने लिख ही रखा है, सल्फा हाइड्रोक्सी कीटल में भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, हेमी एसिटल कीटल बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये अपन लिख देते हैं कि भाई फॉर्मिक एसिड में ये करेगा। ये टोलरेंस टेस्ट है, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन ए और बी दो टाइप से होता है, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH बेसिक सॉल्यूशन होगा। 1,2-dihydroxybenzene में मतलब क्या बनेगा? डाइकीटोन बनेगा, अच्छा ठीक है।
अब ना और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन मैंने कहा मतलब अब जो पूछेंगे वो बताओ, मतलब सारे मतलब क्यों फालतू में अपन फिर और दिमाग और लगाते हैं कि मतलब अच्छा ये भी ऐसा होगा ये भी ऐसा होगा, इसलिए नहीं बता रहा। ये वाले पार्ट से ही अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, एक लिमिट रखते हैं ना कि भाई कितना पूछ सकते हैं अपन से। फेलिंग ए सोल्यूशन, फेलिंग बी सोल्यूशन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट, और फिलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो 50% है, सॉल्यूशन इज 50% ए प्लस 50% इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब अपन कहेंगे इसमें ना एल्डिहाइड है, इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं इन बेसिक मीडियम, ऑब्वियसली बात है एक्वस होंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, प्लस अपन लिख लेंगे CU2O बना देगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑरेंज रेड पिगमेंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रस था, ये क्यूप्रिक था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और वो क्यूप्रस ऑक्साइड, ये बन जाएगा। तो इससे अपन को टेस्ट पता चल जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो भाई इसमें भी आप ना जैसे AgNO3 लिख रहे हो, अमोनिकल AgNO3, तो इसलिए तो लिख रहे हो कि इसका SRP वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका SRP वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं यहां पर भी कॉपर यूज करता तो ये ऑक्सीडाइज होता ना, ये किया तो है। अगर मैं गोल्ड नाइट्रेट लेता तो मैं यहाँ पर लिख देता ना, गोल्ड नाइट्रेट से येलो PPT बन जाता, जैसे व्हाइट PPT बताया जैसे येलो PPT बना देता, और अगर यहाँ गोल्ड सॉल्यूशन लेते तब भी ऑक्सीडाइज करता। जिसका भी SRP वैल्यू पॉजिटिव है अगर उसको लोगे मेटल को, कैटाइन को, तो मैं ऑक्सीडाइज करूंगा ना एल्डिहाइड को, यार इजीली ऑक्सीडाइज। इसमें सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, only LDA can be oxidized। वैसे तो अपन लिखते हैं कि aromatic LDI do not give this test, LDI do not give this test। तो अपन लिखेंगे भाई PHCHO ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा या अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले नहीं देंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो नहीं देंगे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो नहीं देंगे ये टेस्ट। अच्छा तो फिर ये भी नहीं देंगे, तो ये भी नहीं देगा। तो मैं ऐसे लिख दूं कि जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे वो ये भी नहीं देगा, जो कैनिजारो रिएक्शन देंगे वो ये नहीं देगा, लिख दो। जिनके पास वैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड ना थोड़ा याद रहता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है, बाद में अपन को याद रहेगा कि अच्छा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था। तो अगर मान लो अपन को यह याद आया कि इनमें से ऑप्शन बनाया इससे नहीं बनाया, तो अपन को पता रहेगा कि अच्छा एरोमेटिक एल्डिहाइड ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे इंक्लूडिंग फॉर्मिक एसिड, ये भी देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड वैसे होता है। So, all aldehydes
प्लस फॉर्मिक एसिड बनेगा भाई, CO2 प्लस H2 गिव दिस टेस्ट, ये आपका पहले से। अगर सोल्यूशन बी नहीं होता ना तो ये टेस्ट अल्कोहल भी देता, इसलिए बी को ऐड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बी में सोडियम पोटेशियम टैट्रेट है ना, तो इसके साथ कॉपर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जैसे डीएमजी बनाता निकल के साथ, ऐसे कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो ऐड करना जरूरी है ताकि इसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम रहे, तो एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाए। बिल्कुल सेम कंडीशन, एवरीथिंग रिमेन सेम, तो हम ये लिख लें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में बस हमें इसको सिट्रेट लेना होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में हमें सिट्रिक एसिड लेना होगा, तो सिट्रिक एसिड में इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपन क्या करेंगे उससे सोडियम पोटेशियम सिट्रेट लिख लेंगे, जैसे टार्ट्रिक एसिड भी अपन को पता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो हाइड्रोजन की जगह जैसे अपन ने सोडियम पोटेशियम लिखे थे, ऐसे ही सिट्रिक एसिड में सोडियम और पोटेशियम लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक दोनों ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को एवरीथिंग रिमेन्स है, कोई चेंज नहीं है, पीपीटी हो या प्रोडक्ट हो या कौन देगा कौन नहीं देगा, एवरीथिंग रिमेन सेम। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मोस्टली अपन यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ब्लड शुगर इन द ब्लड, दैट इज डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका जो ब्लड में ब्लड शुगर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑफ द बेसिस, वो अपन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जितना ज्यादा शुगर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होता है इसका, उससे अपन को पता चल जाता है कि अगर ये पीपीटी आ रहा है इसका मतलब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यूज होता है, फिलिंग सॉल्यूशन भी होता है, तो दीज आर यूज टू कैलकुलेट द, जैसे अपन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं तो इन्हीं के बेसिस पर तो बोलते हैं बेनेडिक्ट, वो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टोलन्स टेस्ट देगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं देगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिर्फ सिट्रेट और टार्ट्रेट का ही डिफरेंस, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट देख लेते हैं। ये ना इट इज हाईली सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड साल, सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, सिर्फ रिएजेंट अगर अपन लिखेंगे तो दैट इज, वैसे तो अपन किसी भी इमाइंस को सिर्फ रिएजेंट बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग बना लेंगे, किसी भी इमाइंस को बोल सकते हैं, सिप्स बेस अपन किसी भी इमाइंस को बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिप्स बेस। बट जो एल्डिहाइड टेस्ट करने के लिए हमें सिप्स रिएजेंट यूज करना होता है, दैट इज सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, हम इसे सिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज सिर्फ रिएजेंट के साथ मैजेंटा कलर बनेगा। वैसे ये रिएजेंट खुद ही मैजेंटा कलर होता है, तो पता कैसे चलेगा?
तो देखते हैं कैसे, अपन रिएक्शन ही देखते हैं। कभी कभी अपन से सिर्फ बेस भी पूछ लेते हैं, सिर्फ रिएजेंट भी पूछ लेते हैं। रिएजेंट इज लाइक सिर्फ रिएजेंट इज रिएजेंट इज लाइक दैट मस्ट बी एसिडिक सॉल्यूशन, तो अपन उसको ऐसे था, तो ये भी NH2 ही, लेकिन वो HCl ऐड करने से टॉटमराइज है। दिस इज कॉल्ड द शिप्स रिएजेंट, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन ले लेना है। तो एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे तो it will rearrange like this and this will be the magenta color. तो फिर अपन इसमें बहुत ज्यादा मतलब ना पढ़ के अपन तो सीधा ये इसको अपन पैरा रोजा लाइन बोलते हैं, वो उसका कंपाउंड का नाम पैरा रोजा लाइन। तो अपन कहेंगे देखो पे, मेरे पास मैजेंटा कलर का सिर्फ रिएजेंट, मैं इसको SO2 से ब्लीच कर लेता हूं। इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट, बट रिडक्टिव ब्लीचिंग होता है, टेम्पररी ब्लीचिंग। ब्लीच करूंगा तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अब मुझे लगता नहीं कि वो कहेंगे ब्लीच करेगा तो क्या बनेगा वो रिएक्शन विद दिस SO3, सभी में सॉल्ट बनेगा ना, ये भी बेस है, ये ऐसे है, तो ब्लीच करेगा। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर मैं एल्डिहाइड ऐड करूंगा तो मैजेंटा कलर रीअपीयर्स। और अगर इसमें अपन कीटोन ऐड करेंगे तो नो रिएक्शन, मतलब इट विल रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस ही रहेगा। तो अपन को पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हुआ कि नहीं। ये रिएक्शन था, बट सिंस इट इज अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप जो थोड़ा सा भी अगर किसी और ग्रुप के साथ इंटरैक्टेड है तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा। सैलिसाइल एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। अगर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप कहीं से भी कोई दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप या किसी भी ग्रुप से अगर थोड़ा सा भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है तो भी ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब ग्लूकोस ये टेस्ट नहीं देगा, फ्रक्टोज तो दे ही नहीं सकता, वो कीटोन है। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड का अगर CHO ग्रुप थोड़ा भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है या हो सकता है, हो सकने के लिए अपन देखेंगे उसमें 6 मेंबर या 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बने, तो फिर वो टेस्ट नहीं देगा। तो अपन कहेंगे अच्छा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड, तो वो टेस्ट नहीं देगा। मतलब ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट, ग्लूकोस विल नॉट गिव दिस टेस्ट, रीजन उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो मोस्टली अपन से यही पूछते हैं, और अपन से ये पूछ सकते हैं कि हाउ इट विल गिव द टेस्ट,
अगर सिर्फ बेस की बात करें तो ऐसे बना देना, और अगर वो मतलब किसी में भी ऐसा ग्रुप है तो भी अपन सिर्फ बेस बता देंगे, जरूरी नहीं है ऐसे है तो सिर्फ बेस बता देंगे अपन। और लेकिन अगर वो कहेंगे सिर्फ रिएजेंट बताओ तो अपन इसको लिख के पैरा रोसोलाइन बनाना पड़ेगा, अपन को बताना पड़ेगा। सर वहाँ सी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्या? सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एन, मैं तो पूछ रहा था, मैं उसे स्किप बेस में है। अच्छा इधर नहीं आएगा? हाँ नहीं, उधर वो रीअरेंज हो जाता है ना, वो एसिड ऐड करने से रीअरेंज हो जाएगा, इसलिए तो मैंने अलग अलग बताए दोनों को लिख के सामने कि भैया रिएजेंट और बेस जब पूछें तो आप कैसे बताना, सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट, और रीअरेंज एचसीएल में रीअरेंज होगा वो, ठीक है, इसलिए तो मैंने इस पे नहीं लिखा, तो वो रीअरेंज हो जाएगा। बेंजल डीआई तो दे देगा ना ये टेस्ट, देखो ना मैंने तो कहा कि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो बस अपन तो सेंटेंस देख लेंगे आपने क्या कहा और उसके हिसाब से बता देंगे। तो ये आपका सिप्स रिएजेंट टेस्ट था। दूसरा अपन देख लेते हैं, अब ऑक्सीडेशन में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। जैसे तो अपन बेयर पे लेकर ऑक्सीडेशन देख लिया, ऑक्सीडेशन देख लिया, तो अपन लिखते हैं भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स। थोड़ा बोर्ड ऊपर कीजिए, क्या हो गया? कोई बात नहीं है, तो लैपटॉप का स्क्रीन ऊपर कीजिए दिखने, स्क्रीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पता नहीं, ठीक है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, बेयर पे लेकर बोला तो आइडिया तो है ही क्या होता है, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन ना, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर इनको किसी भी पैरासिट से रिएक्ट करो तो एल्डिहाइड विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स विल गिव एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे और कीटोन्स एस्टर्स देंगे, ये बेयर विलेकर ऑक्सीडेशन। अब आपको पैरासिट में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पैरासिट है, मैं कोई भी पैरासिट ले सकता हूं, कोई भी पैरासिट ले सकता हूं, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो बेयर विलेकर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि विल रीड दैट, अपने पास अगर ऐसे गिवन है और इसको अपन पैरासिट से रिएक्ट कर देते हैं तो एस्टर बनाने के लिए मुझे इसको एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड में से किसी एक साइड ऑक्सीजन रख लिख देना, तो बेयर विलेकर ने माइग्रेटरी एबिलिटी चेक किया था, ये गिव द माइग्रेटरी एबिलिटी, यही एक मतलब वो है जिसमें अपन माइग्रेटरी एबिलिटी यूज करेंगे और पिनेकोस में माइग्रेटरी एबिलिटी। यहां पर लिखता है कि भाई माइग्रेटरी एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन पीएच इज मोर देन एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना अच्छा माइग्रेटरी। तो ठीक है, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छा है उस तरफ ऐड कर देना तो एस्ट्रा बन जाए। तो दोनों में से चेक करना है किसका माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छा था, तो अपन उसको बता देंगे कि ये रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन होता तो इधर हाइड्रोजन होता तो अपन उधर ऑक्सीजन ऐड करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, इसलिए आपने एल्डिहाइड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एल्डिहाइड होता तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छा होता तो जिस तरफ हाइड्रोजन होता होता उसी तरफ हम ऑक्सीजन ऐड करते, तो
तो भी ऐसे भी हो सकता है अपन, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आप कोई भी पर एसिड ऐड करो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो जिस तरफ बड़ा एल्काइल ग्रुप है उस तरफ ऑक्सीजन ऐड करूंगा, मतलब इधर ऑक्सीजन ऐड करूंगा, कर देता हूं। तो ये लो प्रोडक्ट बन गया, सिक्स मेंबर ट्रेट बन गया, एस्टर बन गया। तो जिस तरफ बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसका माइग्रेटेबिलिटी उतना अच्छा होता है, तो बता देंगे अपन कैसे प्रोडक्ट बनाना है। ये बेयर रॉक विलेगर ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद अपन चेक कर सकते हैं, अब नंबर पता नहीं कौन सा था, देख लेना अपने हिसाब से नंबर। अपन ना इसमें पहले पैराइडिक ऑक्सीडेशन लिख लेते, पैराइडिक ऑक्सीडेशन पैराइडिक ऑक्सीडेशन में अपन कहते हैं जनरली फॉर विसिनल डायोड्स, विसिनल डायोड्स जनरली फॉर विसिनल डायोड्स। पैराइडिक ऑक्सीडेशन है इन प्रेजेंस ऑफ पैराइडिक, सो पैराइडिक एसिड लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HIO4 और वाटर होगा या फिर लेड एसिटेट है ना और ईथर होगा, तो दोनों में ही एक जैसा रिएक्शन होगा। तो इसमें तो अपन डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख लेते हैं भाई, जैसे होता है अपन को पता है कि भाई एक वेसनल डायल मतलब पास पास वाले डायल, एडजेसेंट एटम पे OH ग्रुप होंगे तो उसको अपन वेसनल डायल बोलते हैं। इसको अगर परोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, HIO4 भी लिखेगा तो भी चलेगा, वाटर नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, तो HIO4 इसके साथ 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा क्योंकि एसिड है, तो इधर इसको हटा के और खुद मतलब बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो एक HIO4 से मैं दो OH को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख दो like this, तो अपन क्या करेंगे फिर इसको ऐसे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो एक ऑक्सीडाइज एक ऑक्सीडेशन अपन ऐसे कर लेंगे भाई, इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे और इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे, दोनों को हाइड्रोलाइज करेंगे। तो सीधा सीधा यही लिख देते भाई, इसको ब्रेक करो और यदि एक OH इधर और एक OH इधर लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता भाई। ये तो था ही अपने पास पहले से, ये दोनों OH तो पहले से ही दिख रहे थे उसमें, एक तरफ और लिख लेते हैं आप, तो आप क्या करोगे आपके पास CH3CH होगा, इसके पास भी दो OH है और इसके पास भी दो OH है, तो मैं क्या करूं इसको भी एल्डिहाइड बना लेता हूं CH3CHO और इसको भी एल्डिहाइड बना देता हूं CH3CHO, मतलब दो मोल CH3CHO बनेंगे आपके पास। तो वो तो यही बता देते आप, तो भी मैं बता देता कि भाई ऐसे ऑक्सीडाइज आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, इधर OH इधर OH, एक ही कार्बन पे दो OH है तो वाटर हटा देता, तो अपने पास बन जाता है। अब अगर और भी होते जैसे अपने पास ऐसे गिवन होते तो ऐसे भी कर लेते भाई, ऐसे भी गिवन होता अगर तो अपन कहते हैं इसको भी ऑक्सीडाइज कर लो, इसको भी ऑक्सीडाइज कर लो, तो इधर एक कार्बन पे दो OH है तो कीटोन बना देता है ना, एक कार्बन पे दो OH हो गए ना तो कीटोन बना देता हूं, एक ही कार्बन पे तीन OH होंगे तो कार्बोक्सिलिक कह सकता हूं, फॉर्मिक एसिड कह सकता हूं, ये CH हो गया ना, तीन OH हो जाएंगे एक ही कार्बन के पास, इधर दो होंगे तो मैं इसको बी एल डेट बना देता हूं, ये बन गया अपने पास।
तो अगर ऐसे होता तो फिर तो मैं कहता कि भाई इसमें ऐसे की बनता मुझे है, तो मैं कहता मैं जितने भी, क्योंकि ये सारे के सारे विस्टल ना सीक्वेंस में, अगर कार्बनिल ग्रुप है ना कोई सी हो उसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे, इधर ओएच लिखो इधर ओएच, इधर ओएच लिखो इधर भी ओएच, इधर ओएच लिखो इधर भी ओएच, इधर ओएच होगा इधर भी ओएच होगा, इधर भी ओएच होगा इधर भी ओएच होगा, तो ये वाला पार्ट तो वाटर डाउनगा तो सारे हाइड्रोजन ही चले जाएंगे फिर तो, मतलब अगर कोई एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, अगर कोई बीच में ना कीटो ग्रुप है तो उससे CO2 बना दूंगा वाटर अटैक, बाकी तो अपन को पता है ये कीटोन बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ भी फॉर्मिक एसिड, यहाँ भी फॉर्मिक एसिड, यहाँ भी फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर CH3CHO बनेगा और यहाँ पर अपन को पता है कीटोन बनेगा। तो ठीक है भाई, फिर तो ऐसे भी मतलब जनरली, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था जनरली तो विस्नल डायोल्स है, लेकिन अगर मुझे ऐसे गिवन है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसमें, इधर ओएच है इधर भी ओएच है, इधर ओएच है इधर भी ओएच है, इधर ओएच होगा इधर भी ओएच होगा, और इधर ओएच है इधर भी ओएच है, इससे तो मैं CH3CHO बना लूंगा, इसको मैं CO2 बना दूंगा, अब इसमें वाटर डालूंगा तो अमाइड बनेगा अपने पास, तो इधर CH C डबल बॉन्ड ओ NH2 बनेगा, तो मैं यहां पर अमोनिया नहीं हटा सकता इन दोनों से, तो अपन कहेंगे वाटर की लीविंग एबिलिटी अच्छी होती है अमोनिया से, इसलिए अपन ने अमाइड बनाया, इधर वाटर टाउंगा तो HCOH बनेगा, तीन हो गए ना ऑक्सीजन OH, फॉर्मिक एसिड बनेगा, और इधर तो पहले से ही फॉर्मिक एसिड है, वाटर हट ही नहीं सकता क्योंकि एक ही OH है, ये बन गया। तो ऐसे आप बता सकते हो पर आइडिक एसिड में, और अगर मेरे पास ऐसे क्यों बने तो बन गएंगे, कोई बात नहीं, इसको वॉच लिखते हैं, इसको वॉच लिखते हैं, बस हो गया, सिर्फ विस्नल डायोली विस्नल ही ग्रुप्स उसमें ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ठीक है, इससे मैं बना दूंगा CH3CHO, इससे मैं बना लूंगा CHO, और इधर CH2, इधर CHOH, और इधर CH, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये पैराइडिक ऑक्सीडेशन है। That is about the pyridic oxidation. अपन को पर acids given है तो water होगा, और अगर lead acetate given है तो भी reaction यही होगा, but उसमें ether given होगा. That is pyridic oxidation. दूसरा अपन लिख सकते हैं, that is pyridic oxidation के बाद Wacker process भी होता है. वेकर प्रोसेस होता है, वेकर प्रोसेस में भी अपन क्या करता है, एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करता है, PDCl2 होता है वाटर के प्रेजेंस में, सो वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, दैट इज CH3CHO प्लस PD बनेगा, सो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस HCl बना देंगे अपन, लिब्रेट करेगा वो, तो ऐसे बना देंगे। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर कीटोन्स बनेगा, PDCl, दैट इज व्हाट वेकर प्रोसेस, सो CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 बनेगा प्लस PD बनेगा प्लस HCl बनेगा, ये नहीं भी बैलेंस करेंगे तो भी चलेगा, उनको प्रोडक्ट चाहिए तब बनेगा, दैट इज वेकर प्रोसेस। सर पलेडियम ऐसा क्या करता है? प्लेडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना,
पैलेडियम में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी ना साइज की वजह से। पैलेडियम मतलब पैलेडियम फॉर्म में रहना चाहेगा हमेशा। सर मतलब हमने अब तक डी ब्लॉक मेटल्स का खाली एडसॉर्प्शन का प्रॉपर्टी देखा था, तो मतलब ऑक्सीडेशन किस हिसाब से वो समझा नहीं मैं। अपन पैलेडियम बना रहे ना, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स ऑल। तो ये कहेंगे भाई बेकर प्रोसेस है, ज्यादा कुछ अपन ने कुछ नहीं सोचा। बेकर प्रोसेस है अपन कर सकते हैं, उसने कहा कि भाई हमारे कंडीशन पे यूज करो आप, बनता है वो। अगर ये नहीं होता तो मैं बताता कि भाई कैसे रिएक्शन हुआ। ओके सर, है ना, इसलिए अपन ने ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाया। और दिमाग लगाऊंगा तो उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी बात दिखानी पड़ेगी। और वेकर प्रोसेस इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वैसे होता कि नहीं नहीं वो तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे तो अपन चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो अपन ऑक्सीडेशन में और क्या लिख सकते हैं, ओपनर ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। ओपनर ऑक्सीडेशन में अपन कहते हैं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं किससे, एल्कोहल से। तो अपन कहते हैं एल्कोहल ले लो और इसको एसीटोन से रिएक्ट करो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्सिल के साथ, AlOCH3H3 इसके साथ। तो विल गेट दैट ये एल्कोहल जो है वो कीटोन बना देगा, मतलब अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बना देगा और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन। तो अपन ऐसे बता सकते ओपनर ऑक्सीडेशन में वी कैन राइट लाइक दिस, भाई अगर हमारे पास ये एल्कोहल है और कीटोन है ऐसे, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि भाई इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका रिडक्शन किया अपन ने तो ये 2 डिग्री एल्कोहल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, ये बनेगा। तो आप मैकेनिज्म ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए पहले कीटोन था, इससे मैं रिएक्ट करवा दूंगा किससे, एल्कोहल से। तो जो भी एल्कोहल मुझे गिवन होगा उससे रिएक्शन करवा दूंगा। तो मैं इसको पहले एल्युमिनियम से रिएक्ट करवा देता हूं, तो एल्युमिनियम में OCH CH3 होल ट्वाइस गिवन होगा, ये थ्राइस है, तो इसको ट्वाइस कर लेता हूं, तो एक इधर देता हूं, इससे मैं इसको हाइड्रोजन दूंगा, ठीक है ना, ये मैं इसको हाइड्रोजन दूंगा। तो इसको इधर लिखते हैं, इसको मतलब ऐसे करते हैं, ये इधर लेके जाते हैं, तो व्हाट आई गॉट इज CH3CO इधर लेके जाऊंगा ना, तो इधर ये ऑक्सीडेशन और ये इधर ऑक्सीडेशन करेगा अपने, तो इसका रिडक्शन कर लिया, इधर इसका रिडक्शन हो गया उसकी वजह से। तो रिडक्शन में अपने पास क्या मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना, तो OH मिल गया, इधर H हो गया, इधर CH3 हो गया, तो मैंने प्रोपेनॉल बना लिया। और इसको जो इसका एक ये ग्रुप गया वो कहां से आएगा, एल्कोहल से आएगा, तो वो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आएगा। तो मैं एल्कोहल ले लेता हूँ इसमें, ये तो अपन ने आइसोप्रोपॉक्साइड और इसका रिएक्शन बना लिया, अब मुझे एल्कोहल भी चाहिए। तो एल्कोहल मान लो मेरे पास कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल है, कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल है, तो वो इससे क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो ये वाला हाइड्रोजन एल्कोहल जो होगा, तो ऑब्वियसली बात है अब क्योंकि इसका एक ये ग्रुप गया था, तो एल्युमिनियम अपना एक एल्कोहल से हाइड्रोजन निकालेगा वापस, क्योंकि इधर से अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला ना, तो वो यहां से अल्फा पोजीशन से अपना एक हाइड्रोजन निकालेगा। अगर अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा तो अपन इसको हटाएंगे, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो अपन बता सकते हैं कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एक हाइड्रोजन निकलेगा वहां से। तो आइसोप्रोपॉक्साइड जो होगा वो अपना एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और इससे हाइड्रोजन निकालेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। वो मैंने एक इंटरमीडिएट जैसे बना दिया कि रिएक्शन होगा क्यों, 6 मेंबर ट्रांजिशन, इसलिए ये रिएक्शन होगा। तो
कोई भी अल्कोहल हो एसीटोन से रिएक्ट करो विल गेट द एसीटोन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मेथड प्रोटोकॉल। और अपन कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्ट करो, इसी के प्रेजेंस में तो रिवर्स भी हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन उस रिवर्स रिएक्शन को अपन वो एमपीवी रिडक्शन बोलते। अगर रिवर्स करूंगा तो एमपीवी रिडक्शन बोलूंगा और फॉरवर्ड लेके जाऊंगा तो ओपनर ऑक्सीडेशन होगा। दोनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं, कैटलिस्ट एक ही यूज होगा। तो अगर इन दोनों को मिक्स करूंगा तो आई विल गेट दिस, और अगर इन दोनों को मिक्स करूंगा तो आई विल गेट दैट, और अगर इसको एक्सेस में लोगे मतलब इसको एक्सेस में लोगे तो यहां पर तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ ये बनेगा, दैट इज ऑल द प्रोडक्ट। तो मैं किसी भी अल्कोहल को एसीटोन के, ये एसीटोन अपन यूज क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसी को तो अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, ताकि उसको वापस मिल जाए इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कन्वर्ट किया ना उससे उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि कैटलिस्ट तो उतना ही रहना चाहिए ना, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट है, आप देख लेना ओपनर ऑक्सीडेशन एंड एमपीवी रिडक्शन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है खत्म, नेक्स्ट टाइम फिर डाउट्स और ऑक्सीडेशन आपका खत्म हो गया। सर सर मुझे पूछना था कि पलेडियम चारकोल का एसिड डेरिवेटिव्स के साथ वो किसको रिड्यूस करता है किसको नहीं करता है, उसका कुछ लिस्ट है? नहीं यार उसका कोई लिस्ट नहीं। अच्छा तो मतलब हमारे लिए खाली एल्काइन्स के लिए ही है वो? हाँ चारकोल वाला। ओके सर, ब्लैंक रिडक्शन ब्लैंक रिडक्शन कुछ होता है ना? अब ऐसे तो बहुत सारे रिडक्शन मतलब अपन बोवियाल्ट रिएक्शन भी होता है, बोवियाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, वो सोडियम एंड इथेनॉल वो होता है। अच्छा तो एनी नाम की जरूरत नहीं है यार, मतलब मैंने उसको इसलिए नहीं बताया भाई बोवियाल्ट ब्लैंक रिएक्शन, मतलब वही सोडियम, हां वही नाम वाला नहीं था वो। नाम वाले तो नाम वाले भाई जितने होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, अब आपको लगता है कि मतलब और कोई नया है तो बताओ, वैसे नाम वाले मैंने सारे ही बता दिए। बोवियाल्ट ब्लैंक रिएक्शन आप देख लेते ना कि अच्छा क्या होता है, सबने नहीं बताया क्या है, तो सोडियम इथेनॉल जो लिखवाया था वो बोवियाल्ट ब्लैंक रिएक्शन। हाँ सर हाँ समझ गए। चलो भाई फिर।